वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज हारिस भाई। हम आए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे। ये है बहरिया टाउन कराची, गॉल्फ सिटी का एक छोटा सा पार्क कह सकते हैं या फिर राउंड अबाउट कह सकते हैं। तो हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने ये जगह नहीं देखी, क्योंकि इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ से पूरा गोल्फ नज़र आता है। हम आपको पूरा गोल्फ दिखाएंगे, यहाँ से गोल्फ का टूर कराएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट जो बहरिया टाउन कराची का है, जो प्रेसिडेंट 22 का डैम। भाई वहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, होल डे स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ और इन्जॉय करते हैं। तो भाई पहले ये आपको पार्क दिखाते हैं और उसके बाद चलते हैं प्रेसिडेंट 22 के डैम पे। तो भाई ये कुछ लड़कियां मेरे पीछे खेल रही हैं, तो मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा और इनको खेलने दूंगा। दूसरी जगह चलते हैं और आपको टूर कराते हैं। जगह अगर आप गोल्फ से आ रहे हैं स्ट्रेट टू बहरिया टाउन स्कूल, तो ये आता है रास्ते में, ये जगह आती है। बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, बहुत ही ग्रीन है और बहुत ही प्यारी। अच्छा, यहाँ से व्यू भी बहुत ज़बरदस्त आता है पूरे बहरिया टाउन का। अगर आप यहाँ टॉप पे जाते हैं तो पूरा गोल्फ आपको नीचे नज़र आता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट 27, ईफिल टावर और सब जो है बहुत ही करीब नज़र आते हैं। अभी हम यहाँ थोड़ा सा क्लाइम करके ऊपर भी चलते हैं और ये आपको दिखाता हूँ मेरी बैक पे सराउंडिंग्स की। तो ये हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी ये सब जो है ऊपर की साइड पे है। ये हम देखें, आप ये बिल्कुल डेप्थ में जा रहे हैं और ये सब ऊपर हो गया। हम नीचे हैं और ये सब ऊपर हो गया। बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही हसीन बना हुआ है। अगर आप लोग बहरिया टाउन आए तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये अच्छा हाइट पे है, हम ये अंदर आ गए नीचे की साइड पे। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहरिया की थीमिंग, बहरिया की क्रिएटिविटी बहुत ही ज़बरदस्त है। चीज़ को इस तरह से बनाते हैं कि लाइक मज़ा आ जाता है, बहुत ही हसीन। अच्छा, आई एम श्योर कि ऐसी जगह है कि बहरिया टाउन में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने भी ये जगह नहीं देखी हुई होगी, तो इट्स अ मस्ट कम जो बहरिया में भी रह रहे हैं और जो बाहर से भी आ रहे हैं। तो भाई बहुत खूबसूरत जगह है ये। अब चलते हैं ऊपर की साइड पे और आपको दिखाते हैं कि ऊपर से कैसा व्यू है इसका। इट्स वेरी डिफरेंट, लाइक स्टेप्स में बना हुआ है, पहले ऊपर है फिर नीचे है फिर उससे नीचे है, सो इट्स मेड इन स्टेप्स। ये देखें, ये नीचे का पोर्शन था, ये ऊपर का पोर्शन है इसका। मैं आपको टॉप से जाके दिखाता हूँ कि कब्बे कैसा है। आगे अप्रॉक्स स्टॉप पे भाई वीडियो एंड तक देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट्स होंगे इसमें, एक्साइटिंग मोमेंट्स। मारे भाई ऊपर, ये आ गए हम टॉप पे। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी जगह बता दूं, ये सामने है आपका बहरिया स्कूल, बहरिया टाउन स्कूल है ये, जो कि फंक्शनल है। ये
ये वो जो स्पेस है और ये स्टेप्स में बना हुआ है, ये ऊपर है, फिर ये दूसरा पोर्शन है और हम वहां गए थे बिल्कुल डेप्थ में। तो बहुत ही जबरदस्त जगह है। अच्छा ये सामने पेरिया गोल्फ सिटी है, आप ये देखेंगे घर बने हुए यहाँ पे, और पैरागन हाउस भी है यहाँ पे, देखिए वो पैरागन हाउस बना हुआ है, पैरागन बैक पे ये पैरागन हाउस है, ये लेक बना हुआ है। गोल्फ सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ग्रीन है, आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं यहाँ पे, देखिए ये आगे भी है, ये बेसिकली लेक है और ये भी हाउस है, इसके बैक में लेक है। दिस इज गोल्फ सिटी और ये 5-star होटल है जो अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। एंड वो देखिए वो प्रेजेंट 27। तो भाई ये जगह बिल्कुल हाइट पे है, सब नीचे है और ये जगह ऊपर है, सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, सो मस्ट कम हियर। फिर चलते हैं, हम देखते हैं और मजीद गोल्फ। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, सामने जो आपको पैरागन है उस नज़र आ रहा होगा और जो ये खूबसूरत सा लेक है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि हाउस करीब से कैसा है और ये जो लेक है ये कैसा बना हुआ है। सो डोंट मिस इट, स्टे कनेक्टेड, वीडियो एंड तक देखें। हम बस यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि घर कैसा बना हुआ है। अब वो वहाँ पे थे, वो एक डिफरेंट पार्ट था, अब हम आ गए हैं गोल्फ की मेन एंट्रेंस पे। ये गोल्फ का बॉल यहाँ पे है और ये गोल्फ की मेन एंट्रेंस है, सामने जिना एवेन्यू है और ये खूबसूरत सा एंट्रेंस है। So let's go inside golf and explore more, देखते हैं और क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद चलते हैं present 22 के टैप पे। हाउस आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे बना हुआ है, एक्चुअली इसके बैक पे पूरा गोल्फ कोर्स है। So it's beautiful, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे ये हाउस बना हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हाउस इन गोल्फ। तो बाहर से आपको दिखा रहे हैं, ये मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैं जब गुजरता हूँ गोल्फ से तो इस घर को जरूर देखता हूँ जाता हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ, इसी का प्राइवेट हाउस है ये और इसके बैक पे ही गोल्फ कोर्स है और लेक भी बना हुआ है। So it's beautiful, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हाउस इन बहरिया टाउन कराची, अली रियाज विला के बाद ये सबसे खूबसूरत घर बना हुआ और ये है बहरिया टाउन कराची में, ये पैरागॉन वालों का विला है एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। इसके बैक पे लेक है और पूरा गोल्फ कोर्स है, सो
वो ह्यूज है भाई, इट्स अ ह्यूज हाउस, बहुत ही बड़ा, इट्स अ ह्यूज वन। चल चल के थक गया हूँ माशाल्लाह, लेकिन ये हाउस एंड नहीं हो रहा, ये वो आगे तक है, एक गेट उसका वो था और तो माशाल्लाह आपको पता है पैरागॉन इज अ बिग कंस्ट्रक्टर, तो उन्होंने अपना घर बहुत ही जबरदस्त बनाया, बहुत ही खूबसूरत घर तो नहीं कहेंगे, यू कैन से इट्स अ कैसल और अ टाइप ऑफ फार्म हाउस, इट्स ब्यूटीफुल। दिस इज द सेकंड एंट्रेंस और ह्यूज है भाई, ह्यूज। और आप इमेजिन करें कि घर के अंदर ही बैक साइड पे लेक, गोल्फ कोर्स, तो भाई जो लोग देख रहे हैं मस्त से माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये है गोल्फ कोर्स, उस घर के बैक पे भी गोल्फ कोर्स है और ये आप ही देखेंगे, ये यहाँ पे भी गोल्फ कोर्स है और ये है 5-star होटल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो इट्स ब्यूटीफुल। ये भी गोल्फ कोर्स है और यही देखें कि ये बैक फ्रंट पे था वो हाउस और ये बैक, आप देखें कितना खूबसूरत लेक है और ये गोल्फ कोर्स है पूरा। तो भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, लाइक इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई आपको पाकिस्तान में इस टाइप की चीज मिल रही है, एट्स ऑफ टू बैरियर टाउन कराची, कि वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लाइक इतना ज़बरदस्त व्यू, बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। आर्टिफिशियल लेक बिहाइंड योर हाउस, माशाल्लाह इट्स अ ड्रीम, बहुत ही खूबसूरत, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सूरज होते हुए ऐसे ही लगता है कि ये ट्री के बाद ब्यूटीफुल, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। वही आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, हमने आपको गोल्फ़ का टूर कराया, गोल्फ़ की जो अच्छी अच्छी जगहें, पार्क्स और वो चीज़ें दिखाई और ये हाउस जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, एक लाइक चेरी ऑन अ केक है गोल्फ़ के। तो आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा, पसंद आया होगा, मैं भी इसको देख के बहुत फैसिनेट होता हूँ और आप लोग भी ऑब्वियसली फैसिनेट हुए होंगे क्योंकि इट्स ब्यूटीफुल। और ये घर क्या गोल्फ़ ही पूरा बहुत खूबसूरत है और आई नो गोल्फ़ आप लोग भी जानते होंगे इट्स एन एक्सपेंसिव गेम, इसको मेंटेन करना, गोल्फ कोर्स को मेंटेन करना, सो इट्स वेरी हार्ड एंड बैरियर टाउन कराची इसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो भाई मिलेंगे किसी और जगह, अब जाना था प्रेसिडेंट 22 के डैम पे भी, वो पिकनिक स्पॉट है बहुत ही खूबसूरत, लेकिन अब अंधेरा हो रहा है तो आई गेस वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे प्रेसिडेंट 22 के डैम पे। तो भाई जो देख रहा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम एट प्रेसिडेंट 22 डैम इंशाल्लाह, सो स्टे ट्यून एंड बी कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।